गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ राजीव। आज मैं आपको केमिस्ट्री में परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है जानिए। परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों का विभिन्न ऊर्जा स्तर KLMN में विभाजन ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। फिर से सुन लीजिए, परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों का विभिन्न ऊर्जा स्तर KLMN में विभाजन ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। इसके जनक थे नील्स बोर। नील्स बोर ने बताया था कि परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों का विभाजन KLMN कक्षाओं में किस प्रकार किया जाता है। तो उन्होंने इसका एक सूत्र बताया था कि KLMN कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का विभाजन 2n square के रूप में होता है। यदि पहली कक्षा k है तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n square के हिसाब से 2 into 1 यानी 2। अगर दूसरी कक्षा हमारी l है तो l कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का विभाजन 2n square के हिसाब से 2 into 2 की पावर 2 2 into 4, यानी L कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8, K कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, M कक्षा में ये कक्षा हमारी 3 होती है, तो 2N के अकॉर्डिंग 9, 9 2 18, यानी M कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18, और सबसे लास्ट N कक्षा में 2N स्क्वायर के हिसाब से ये चौथी कक्षा है, इसीलिए n की जगह पे 4 लिखा, 2 into 16 यानी 32। n कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी? 32। इसका मतलब हम कह सकते हैं KLMN में पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32। अब देखिए कि किस हिसाब से 1, 2, 3, 4 आता है। हमेशा याद रखिए n जो होती है वो होती है कक्षा, n होती है हमारी कक्षा। जब पहली कक्षा निकालते हैं तो n पहली कक्षा निकालते समय n बराबर 1 रखते हैं। तो देखिए मैंने n की जगह पे 1 रखा है, पहली कक्षा निकाल ली। जब दूसरी कक्षा निकालते हैं, दूसरी कक्षा निकालते समय n इज इक्वल टू 2 रखा, देखिए n की जगह पे हमने 2 रखा। जब तीसरी कक्षा निकालते हैं, तीसरी कक्षा निकालते समय n की जगह पे हम लोग 3 रखते हैं, देखिए मैंने n की जगह पे 3 रखा। और चौथी कक्षा निकालते समय n की जगह पे 4 लिखते हैं, और ये देखिए हमने n की जगह पे 4 लिखा। इस हिसाब से हमको k कक्षा में 2, l में 8, m में 18, n में 32 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इसका पता चल जाता है। अब आइए मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा कि तत्वों में इलेक्ट्रॉनों को किस हिसाब से भरा जाता है। देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपके सामने बता रहा हूं। जैसे सबसे पहला एग्जांपल है सोडियम Na, इसका एटॉमिक नंबर होता है यानी परमाणु क्रमांक होता है 11। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइडेशन करिए, के कक्षा में आने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई? 2। एल कक्षा में आने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई? 8। और एम में आने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई? केवल और केवल 1। तो इस हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा एन ए का? पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में केवल और केवल 1 इलेक्ट्रॉन। इस हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनता है किसी भी तत्व का। इसमें ये जो 1 इलेक्ट्रॉन जो बचता है, ये इलेक्ट्रॉन जो सोडियम होता है वो किसी न किसी दूसरे तत्व को दे देता है, इसीलिए सोडियम दाता होता है, इसीलिए इसके ऊपर हमेशा प्लस का निशान होता है।
क्योंकि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे तत्व को त्याग देता है, इसीलिए इसके ऊपर प्लस का साइन आता है और ये Na प्लस बन जाता है। अब जैसे इसका दूसरा एग्जांपल मैं आपके सामने दे रहा हूँ, देखिए दूसरा एग्जांपल कैसे समझेंगे आप लोग। दूसरा एग्जांपल समझने के लिए दूसरे तत्व की बारी आती है। अब सेकेंड तत्व हमारा कैल्शियम, जैसे कैल्शियम का हम लेते हैं 20, ये इसका परमाणु क्रमांक होता है। अब इसमें भी पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन गए, दो। दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने गए, 8। तीसरी कक्षा में 8 और चौथी कक्षा में केवल 2। अब देखिए ये कैसे होता है, लिखा सी, पहली कक्षा में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, दूसरी कक्षा में मैंने 8 इलेक्ट्रॉन डाले, तीसरी कक्षा में फिर से मैंने 8 इलेक्ट्रॉन डाले और चौथी कक्षा में केवल और केवल मैंने 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कैल्शियम किसी दूसरे तत्व को प्रदान कर देता है, इसीलिए हमेशा कैल्शियम के ऊपर प्लस का 2 साइन होता है। इसने 1 इलेक्ट्रॉन का दाता था इसलिए +1, ये 2 इलेक्ट्रॉन का दाता है इसलिए प्लस का 2। अब एक समझने वाली बात है ये कि हमेशा इलेक्ट्रॉन्स हमारे K में 2, L में 8, M में 18 और N में 32 होते हैं, पर इस वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन गए। तो मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, K कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, L कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 और M में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 या 18 या न्यूनतम 8। एम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 या न्यूनतम 8, यानी इस कक्षा में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन 18 आ सकते हैं या उससे कम 8, इसके ज्यादा इसमें 8 से 9 10 11 12 इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में नहीं आ सकते हैं। एक सिंपल सी बात होती है कि इसको अगर जनरल भाषा में समझा जाए तो ये मान के चलिए कोई मकान आपको खरीदना है, एक के मकान है वो 2 लाख का है, दूसरा एल मकान है 8 लाख का है, तीसरा एम मकान है 18 लाख का है और चौथा एन मकान है जो आपका 32 लाख का है। हमारे पास किसी वजह से केवल और केवल 20 लाख रुपए हैं, तो हम सबसे पहले एक के वाला मकान खरीद लेंगे क्योंकि वो 2 लाख का मिल रहा है, दूसरा हम एल वाला मकान खरीद लेंगे क्योंकि वो 8 लाख का मिल रहा है, अब तीसरा वाला मकान हमारा 18 लाख का है, पर मेरे पास केवल केवल कितने लाख रुपए बचे, 20 लाख में से मैंने 10 लाख खर्च कर दिए, मेरे पास केवल और केवल 10 लाख रुपए बचे हैं। अब 10 लाख रुपए मेरे पास हैं मेरे पास और M वाला मकान 18 लाख का मिल रहा है, तो हम किसी से 8 लाख रुपए उधार लेंगे, तो इससे बेटर है कि हम एक और L वाला मकान खरीद लें 8 लाख का। इसीलिए M कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने चले जाते हैं, 8, और जो 2 बचते हैं वो हमारी अगली कक्षा में चले जाते हैं, और यही दो इलेक्ट्रॉन कैल्शियम किसी न किसी को प्रदान कर देता है और इसलिए इसके ऊपर प्लस का 2 साइन आ जाता है। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आपको 2 एग्जांपल समझ में बहुत अच्छी तरीके से आए होंगे। अब मैं इसके आगे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन SPDF में किस प्रकार किया जाता है ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।